सारे ऑफिसर साहबान, एसी साहब, एक्सिन साहब, एसटीओ साहब, पूरे डिस्ट्रिक्ट दे आज बुलाए सी और सारी स्थिति बारे जो इस टाइम पावर दी साढ़े पंजाब च स्थिति है या साढ़े हुशियारपुर है उसके बारे गलबात की है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी दी कल दी गाइडलाइन ने कि जो ऑफिस 8 से 2 कर दिते और उसे एसी नहीं चलना, मैं तुहाडे राही लोगों को अपील करदा कि सारियां नूं कि यह जो 2-4 दिन का क्रूशल समा है, क्योंकि जिहड़ी बिजली की मंग सी 15,000 मैगावाट ते पहुँच गई सी, जिहड़ी कि पिछले साल 12,500 सी। कुछ डैम च पानी घट गया, कुछ पानी इन्हां दे अंदर घटन करके जिहड़ी ये जिथे 5 दी मोटर सी उत्थे 7 दी लाउणी पई, जिथे 10 दी सी 15 दी लाउणी पई, लोड वधिया उहदे करके जिहड़ी है पावर दी प्रॉब्लम आई है। पर कल मानयोग मुख्यमंत्री जी ने पूरी समीक्षा करन तो बाद इत्थे कुछ कट लगाए ने, कुछ इंडस्ट्री नूं असीं कट लगाए ने। मैं उम्मीद करदा सारे अफिसर नूं भी इह डायरैक्शन दित्तियां ने कि लोकां दी घरां दी बत्ती बिल्कुल ना बंद कीती जावे और जिहड़ी पूरी फसलों का भी पूरा ध्यान दिता जाए, जिहड़ा 8 घंटे उन्हां दी बिजली है इंश्योर की जाए कि पूरी उन्हां नूं दित्ती जाए, ते जिहड़े कट ने आम पब्लिक दे लई ओह ना लगाए जाण। और सारे अफिसर नूं इह निर्देश दित्ते ने, बेनती की है कि 2 बजे तो बाद ये सारे पब्लिक दे विच रहणगे, इंडस्ट्री दे विच रहणगे, आम जिहड़ियां लोकां दीआं मुश्किलां ने उन्हां नूं सुणगे। तो मैं सारिआं अपने सज्जणां दोस्तां मित्रां सारे हुशियारपुर वासियां नूं बेनती करदा कि जिहड़ा एसी है उन्हों मतलब बहुता इस्तेमाल ना करो, जिथे ऑफिस दे विच तां मनाही कीती गई है, घरां दे विच भी अगर 2 आ तां 1 चलाओ, 3 है तां 1 चलाओ, तां जो ये जिहड़े 5-7 दिन मुश्किल दे ने कि आम लोकां नूं इहदी मुश्किल ना आए, तुहाडे राही मैं ये अपील करदा। मैं उपकार सिंह अहूजा, प्रेजिडेंट चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। ये जो बिजली दे कट लगे है कल तो 48 आवर्स लई इंडस्ट्री लई, मैं समझदा भी ये कट क्योंकि फार्मिंग सैक्टर नूं बिजली चाहीदी है और झोने की बिजाई है, इस करके कट लगाए गए है। और पिछले 4.5 साल कोई बिजली की दिक्कत नहीं आई और मैनू ये पूरी उम्मीद है भी आने वाले टाइम विच भी जल्दी बिजली की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और ये कट जल्दी तो जल्दी दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं सचित जैन हूँ, वर्धमान ग्रुप की कंपनी वर्धमान स्पेशल स्टील्स का वाइस चेयरमैन हूँ और पिछले 11 साल से ये कंपनी चला रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमें कोविड की भी बड़ी दिक्कत हुई, उसमें सरकार ने बड़ी सफलता से बड़ी अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं आने दी और ओवरऑल जिस तरह से मैनेज किया, फुल कॉम्प्लीमेंट्स टू द गवर्नमेंट। और वहाँ से निकले ही थे कि ये पावर की प्रॉब्लम आ गई है, बारिशें डिले हो गई हैं और बारिशें डिले हो गई हैं तो धान की फसल की बुआई चल रही है और पावर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, उसकी वजह से डिमांड सिस्टम पे ज़्यादा आ गई है तो कट लगने स्वाभाविक है क्योंकि शॉर्टेज आ गई, सिस्टम इतना हैंडल कर नहीं सकता। उस सिचुएशन में इंडस्ट्री पे कट लगे हैं ज़रूर और हम सबको धैर्य रखना पड़ेगा कि जल्दी ही बारिशें आ जाएंगी। नॉर्मल मानसून मैंने प्रिडिक्ट किया है और अगले कुछ दिनों में मानसून आगे प्रोग्रेस करेगा, कुछ देर के लिए हमें सबको धैर्य रखना पड़ेगा। मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि अगर कट जो लगा रहे हैं वो खाली एक सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री पर ना लगा करके इसको स्प्रेड करके सारों पर स्प्रेड कर दे, किसी एक पर ज़्यादा लोड ना आए और हम सबको सरकार के साथ इस कठिन समस्या में, इस कठिन परिस्थिति में सरकार के साथ रहना है। लेटेस्ट न्यूज़ दिले साडे चैनल नू सब्सक्राइब करो ते साडी लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन दिले बेल आइकन दबाना ना भूलियो।